कोविड-19 के चलते कल सोमवार का दिन प्रदेश के 4 जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रशासन ने चंडीगढ़ के हिमाचल भवन से जिला बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के लोगों को वापस लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लोगों को चंडीगढ़ से लाने के लिए इन 4 जिलों से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 47 बसों का काफिला चंडीगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है। इसमें बिलासपुर से 11, मंडी से 28, कुल्लू से 6 व लाहौल स्पीति से 2 बसें भेजी गई हैं। इसको लेकर NH चंडीगढ़ मनाली के मुख्य द्वार सलापड़ में मंडी जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एंट्री पोस्ट में भी चंडीगढ़ से आने वाली लोगों की भीड़ के मद्देनजर 10 स्थायी काउंटर स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं इससे पहले ही सलापड़ में निजी वाहनों के माध्यम से बाहरी राज्यों के लोगों के आने से वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। मौके पर डॉक्टर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम 24 घंटे लगातार हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर सर इस नाके पर जो है डे एंड नाइट एंट्रियाँ हो रही हैं और गाड़ियों की भी एंट्रियाँ हो रही हैं। जो बंदे आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी एंट्रियाँ की जा रही हैं डे एंड नाइट। और यहाँ लोगों की जो भी व्यक्ति आता है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ और पुलिस विभाग भी गाड़ियों की चेकिंग ठीक कर रहा है। अब इस कोरोना कोविड-19 जो है इसकी डेट आगे बढ़ रही है, इस करके यहाँ पर जो है 10 काउंटर लगाए गए हैं जिनका कार्य चला हुआ है। आज शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो है 7 लैपटॉप वाले बिठाए जाएंगे। एक काउंटर में डॉक्टर बिठाया जाएगा और एक में पुलिस विभाग बिठाया जाएगा। बाकी 7 में लैपटॉप रखे जाएंगे जिनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर इसकी एंट्री करेंगे। सभी ऑनलाइन एंट्री जो है सभी की जा रही है, गाड़ियों की जा रही है, लोगों की भी की जा रही है। उसका सबसे फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ऐसा है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई बंदा कोई व्यक्ति ऐसा निकल जाएगा जो पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसकी जो छानबीन हम मतलब उसको कम समय में कर सकते हैं कि कहाँ से व्यक्ति है, कब गया था, कब आया था। इस करके हमारे पास उनसे रोग गया सेतु ऐप डाउनलोड कराई जा रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।